नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। आज मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन को भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं इसी दिन राम भक्त हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाती है। इंडोनेशिया के इतिहास में आज के दिन को किसी बुरे सपने की तरह याद किया जाता है। दरअसल सन 1815 में 17 अप्रैल के दिन तंबोरा ज्वालामुखी धमाके के साथ फटा और इस घटना के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी। ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट आज से 23 अप्रैल तक कूलिंग उपकरणों पर वार्षिक समर बिक्री आयोजित करेगा। इसमें एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और एयर कूलर, पंखे जैसे घरेलू उपकरण किफायती दामों पर बेचे जाएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज थम जाएगा। जहां 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए 102 सीटों पर वोटिंग होगी, वहीं 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इंडिया गठबंधन के नागौर से उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता हनुमान बेनीवाल के लिए नागौर की जनता से वोट मांगेंगे। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। और दोस्तों, खबर को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कल के न्यूज में कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम आज के इस वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। इसके लिए आज जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए आज कई जनसभाएं करने वाले हैं। चुनाव आयोग ने हेमा मालिनी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सुरजेवाला के 48 घंटे के लिए प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बंगाल की ममता सरकार ने आज प्रदेश में रामनवमी पर छुट्टी की घोषणा की है। राज्य में यह पहली बार हो रहा है जब प्रदेश में रामनवमी को सभी सरकारी कार्यालय और स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा और सरस्वती पूजा बड़े त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। कई अन्य त्योहारों पर भी सार्वजनिक अवकाश होता था, लेकिन रामनवमी पर पहले बंगाल में अवकाश नहीं दिया जाता था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां न्यायाधीश मयंक कुमार जैन के समक्ष केस संख्या 1 में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की। इसमें कहा गया कि मंदिर प्रशासन और मस्जिद के बीच 1967 में हुआ समझौता ना तो भक्तों पर लागू होता है और ना ही वादी पर बाध्यकारी है। इसके साथ ही ना तो पूजा स्थल कानून और ना ही परमिशन कानून लागू होगा। बिहार के गया से एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी के एक बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है, जहां गया में प्रधानमंत्री की रैली के बाद मांझी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि गया से जीतन राम मांझी नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मांझी ने इस पोस्ट के साथ पीएम मोदी को टैग किया। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि चुनाव में लोगों को मोदी का चेहरा देखकर वोट देना चाहिए। लोगों को उनके घर के नजदीक सभी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के मामले में अमृतसर वार्ड 11 ने 99.94% को ऑनलाइन सेवाएं देकर एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने कहा कि सेवा केंद्र लोगों को उनके घर पर ही जो सुविधाएं मुहैया करा रहा है, यह सरकार तुहाड़े द्वार के जरिए काफी हद तक संभव हो पाया है। हल्द्वानी से भाजपा नेता और समाज सेवी योगेश जोशी ने कुसुमखेड़ा में आयोजित सभा में बड़ी संख्या में अपने समर्थकों संग कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश जोशी व विधायक सुमित हृदेश ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस ने झारखंड में 3 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की है, जहां गोड्डा सीट से दीपिका पांडे सिंह, चतरा सीट से कृष्णानंद त्रिपाठी और धनबाद सीट पर अनुपमा सिंह को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने 25 लाख के इनामी कमांडर सहित 18 नक्सलियों को किया ढेर। जंगल में मुठभेड़ अब भी जारी, भारी मात्रा में हथियार भी हुआ बरामद। भोपाल लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए एक प्रत्याशी जमानत राशि के रूप में 24,000 रुपए के चिल्लर लेकर आया। इसे गिनने में मतदान कर्मियों के पसीने छूट गए। बता दें कि नामांकन के लिए उम्मीदवार को 25,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है, जहां ये शख्स 24,000 रुपए के चिल्लर और 500-500 रुपए के 2 नोट लेकर नामांकन करने पहुंचा था। हिमाचल में अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से गिरा हिमखंड, जहां चंद्रभागा नदी का बहाव रुकने से कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ था यातायात, पुनः खोला गया।
पीपुल्स कांग्रेस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि नेका या उसके नेता उमर अब्दुल्ला की विचारधारा भाजपा से मेल नहीं खाती, वह तो भाजपा के समर्थक है और सहयोगी है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने आखिरकार बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल दक्षिण 24 परगना जिले की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। बीजेपी ने इस सीट से अभिजीत दास को टिकट दिया है। बता दें कि यहां से अभिषेक बैनर्जी टीएमसी की टिकट पर लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग होने के कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनसे मिलने उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। बता दें कि रविवार को बाइक पर आए दो लोगों ने सलमान खान के घर के बाहर चार राउंड फायरिंग की थी, जहां इस फायरिंग की जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। वहीं एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से कहा कि मैंने सलमान खान से कहा कि सरकार आपके साथ है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उनसे पूछताछ की जा रही है। गुजरात के राजकोट में क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन के बाद अब राजपूत समाज की संस्थाओं की संकलन समिति व करणी सेना में विवाद उत्पन्न हो गया है। करणी सेना महिला मोर्चा की अध्यक्ष पद्मिनी बा ने कहा कि संकलन समिति भाजपा के साथ मिलकर खिचड़ी पका रही है। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा कि क्षत्रियों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राजपूत समाज रूपाला का टिकट कटे जाने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की कि राजस्थान में अब सरकारी स्कूलों में सेवानिवृत्त सैनिकों को शिक्षक की नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा किसी सैनिक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या आश्रित को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों अब बारी है कल के न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नाम की। उनके नाम है यूजर WC6, सत्येंद्र शाह, शिव कुमार, वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, राजेश रॉय, स्वर्दिन विश्वकर्मा, अशोक आर्या, वीरेंद्र शाह, मेदीलाल मौर्य, विनोद तिवारी, वशिष्ठ तिवारी, परशुराम सिंह, गुडवेज ट्रेवल्स, अशोक परमार, प्रहलाद पंडित, केपी तिवारी, शिल्पी विवेक बैनर्जी, सुनील कुमार पाथीपाका, राजेंद्र केलवा, गौतम महतो, चंद्रजीत, गीता अनुरागी, अंसारी रसीद, सुनील कुमार पाथीपाका, अयोध्या प्रसाद राठौर, निरंजन जोशी, प्रयास यादव, यूजर MZ3, बंटी हजारिका, महतो हरनाथ महतो, कांता प्रसाद, खेम होम थापा, शिवाजी पटेल, केशव चंद तिवारी, शिल्पी विवेक बैनर्जी, दीनाबंधु कलसाई, काजल कुमार गोंगली, प्रवीण कलिता, SP सिंह, रक्ष आर्या, रणधीर सिंह, परशुराम, सत्येंद्र शाह, करुणा चक्रवर्ती और सुनील कुमार पाथीपाका। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर सबसे पहले आपको मिलती रहे।